गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की हियर लाइक आई हैव रिटन इट, इट इज़ अ सिंपल टूल यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। यस्टरडे आई आस्क यू टू राइट दिस इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ ऑर्गेनिज्म। वो भी ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अस अननोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक की इज़ मोस्ट यूजफुल टूल अवेलेबल टू द साइंटिस्ट एंड इन सिस्टमैटिक्स दिस सब्जेक्ट वेयर वी डू ऑल दीज थिंग्स ना, टू आइडेंटिफाई, टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। सो द सिस्टमैटिक रिलाय ऑन कीज पर ही, ये जो टैक्सोनॉमिक की हैं उन पर ही साइंटिस्ट जो है रिलाय करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। देखो की का मतलब क्या होता है, हम की का मतलब है जैसे लॉक खोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है चार पांच की होती हैं। अब हम चेक करते हैं इससे खुल गया क्या लॉक, अगले से देखेंगे कैन इट ओपन, फिर अगले से देखेंगे एंड फाइनली येस इट इज़ डन, तो अगले वाले से फिर चेक नहीं करेंगे। तो आपकी जो टैक्सोनॉमिक की हैं दिस कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज सिंपल की, अनदर इज ब्रैकेट की। दिस सिंपल की इज रिटन एज यॉर्कड और इंडेंटेड की एज वेल, यानी इट मीन्स दैट योर्स दिस की कैन बी ऑफ टू टाइप, यॉर्कड इंटेंडेड और सिमिलर, वन एंड सेम थिंग, यॉर्कड इंटेंडेड और सिंपल की, ये एक ही चीज़ है। एंड अनदर इज ब्रैकेटेड की। ठीक है, सो नाउ यू सी वॉट इज की एंड हाउ इट इज़ यूज। यू सी की का मतलब है सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच विल हेल्प यू टू रिकग्नाइज अ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ एग्जाम्पल हियर, सी बैट है, बैट को आइडेंटिफाई करने के लिए की क्या है, प्रेजेंस ऑफ मैमी, प्रेजेंस ऑफ ईयर एंड विंग्स, तो दिस इज की फॉर बैट। फिश के लिए क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैमी, पिन्ना, लिम्स, बट प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड स्केल्स, तो ये इसकी टैक्सोनॉमिक की है। फिश के लिए टैक्सोनॉमिक की बता दी मैंने, बैट के लिए, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के लिए टैक्सोनॉमिक कीज होती हैं। ये साइंटिस्ट ने लिख के रखा हुआ है, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है कि आपका जो किंगडम है तो मोनेरा है फॉर एग्जांपल, तो मोनेरा के लिए की क्या है, दे शुड नॉट बी अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल की। सिंपल की को हमें कैसे यूज़ करते हैं, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल की को ये इस तरीके से रखते हैं कि वी मेड टू कैरेक्टर्स। ठीक है, सेट की क्या बनाई, ऑर्गेनिज्म विद वन सेल, एंड सेकंड होगा अगर ऑर्गेनिज्म विद मोर देन वन सेल, समझ पाए, ऑर्गेनिज्म विद वन सेल एंड ऑर्गेनिज्म विद मोर देन वन सेल, तो ये हमने दो कैरेक्टर लिए, ऑर्गेनिज्म विद वन सेल। अब इसमें हम देखेंगे इफ इट हैज़ नो न्यूक्लियस, तो इसका मतलब है इट कम्स इन मोनेरा। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मोनेरा प्रोटिस्टा आपको नहीं पता क्या है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने चेक कर लिया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें एक ही सेल है, तो आप उसमें ये देखो कि अब इसमें न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर इसमें एक ही सेल है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो ये मोनेरा में आएगा। अगर इस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है, तो ये प्रोटिस्टा में आएगा, ख़त्म। अब यही दो पॉसिबिलिटी हैं। अब दूसरा, अगर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल है, तो मोर देन वन सेल वाले में दो किंगडम में आ सकता है, वो तो प्लांटी में भी आ सकता है और एनिमेलिया में भी। तो उस केस में अगर मोर देन वन सेल है तो आप चेक करोगे क्या ये ऑटोट्रॉफिक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक होगा तो आप इसे रख दोगे, ऑटोट्रॉफिक मतलब विच कैन मेक इट्स ओन फूड, तो आप इसे रखोगे प्लांटी में। और अगर हेटरोट्रॉफिक है तो आप इसे रख दोगे एनिमेलिया में। तो मैंने यहाँ पर क्या की तैयार की, की का मतलब सॉल्यूशन क्या तैयार किया, मैं ऐसे सेट लिख के रखूँगी
ऑर्गेनिज्म विद वन सेल, फिर उसके बाद नो न्यूक्लियस मीन्स मोनेरा, हैज न्यूक्लियस मीन्स प्रोटिस्टा। ऑर्गेनिज्म विद वन मोर देन वन सेल तो मैं देखूंगी इफ ऑटोट्रॉफिक प्लांटी, हेटरोट्रॉफिक एनिमेलिया। ठीक है, दिस इज। अब हेटरोट्रॉफिक में कई बार ऐसा हो जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा मोबाइल है या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर सिंपल की। सेकंड है ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की में क्या करोगे इसको जरा सही से समझते हैं। और ऐसे सेट बना के रखा जाता है, फर्स्ट लिखा आपने, फर्स्ट लिखोगे ओनली वन सेल। ठीक है, उसी फर्स्ट में सेकंड लिखोगे मोर देन वन सेल, ओनली वन सेल है, डॉट 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 करके देखो, देन गो टू टू। आप नीचे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, टू, टू के बाद ब्रैकेट में वन लिखा। अगर आपकी ओनली वन सेल है देन गो टू टू, मोर देन वन सेल है देन गो टू थ्री। ठीक है, अब अब अगर आपने ओनली वन सेल है एंड इसके बाद ओनली वन सेल ही आपने पता कर लिया, ओके वन सेल। अब देखो न्यू टू में क्या लिखा है, टू में लिखा है नो न्यूक्लियस और हैज न्यूक्लियस, तो आपने ब्रैकेट में देखा, ओके नो न्यूक्लियस, दैट मीन्स ये मोनेरा में आ गया, की का काम खत्म, खुल गया लॉक। अब या फिर पॉसिबिलिटी है कि वन सेल थी, आप सेकंड वाले ऑप्शन पे आए तो हैज न्यूक्लियस, ये हो गया प्रोटिस्टा। ठीक है, अब लेकिन ऊपर ही आपने लिख दिया था एक इफ मोर देन वन सेल देन गो टू थ्री। अब गो टू थ्री पे आओ, थ्री में आपने उससे पीछे ब्रैकेट में वन लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट का बस इतना ही फंडा है भाई। ब्रैकेट मीन्स आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि इफ यू फाइंड दिस करेक्टर देन गो टू दैट ब्रैकेट। अगर आपने मोर देन वन सेल है देन गो टू थ्री। थ्री में क्या लिखा है कि ये ऑटोट्रॉफिक है, तो इसे यहीं तय कर दो कि ये प्लांटी है। ठीक है, अगर ये हेटरोट्रॉफिक है, अगर ये हेटरोट्रॉफिक निकला, मोर देन वन सेल था हेटरोट्रॉफिक निकला, देन गो टू फोर। अब फोर में देखेंगे ब्रैकेट के वन के साथ क्या लिखा है, क्या ये मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, मूव कर सकता है तो एनिमेलिया, की ओपन, की से आपका लॉक ओपन हो गया। इमोबाइल है यानी ये नहीं मूव कर सकता, इसका मतलब इसका किंगडम है फंजाई। आई होप कि समझ आया हो बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पर गौर करो। ब्रैकेटेड लिखने से कोई बहुत बड़ी कहानी चेंज नहीं हो गई, इधर देखो वही बात थी, यहाँ भी वही है, बट यहाँ पे देखो इन्होंने ना सिंपल सेट में लिखा था, सीधे सीधे लिखा था। यहाँ इन्होंने कैसे किया कि पहले सिंपल लिखा, फिर लिख दिया गो टू टू, फिर वहाँ पे देखो क्या करेक्टर है, गो टू थ्री। अभी आपको यहाँ थोड़ा लग रहा है साइंटिस्ट वगैरह के लिए ऐसा हो जाएगा, गो टू 10 15, ज़्यादा करेक्टर्स डिटेल में पढ़ लेंगे, पर होना यही है। ठीक है, सो ये अपने ये किसके लिए यूज़ किया, फाइव किंगडम डिसाइड करने के लिए, अपने किंगडम डिसाइड करने के लिए ये यूज़ किया। ठीक है, आपको कोई एनिमल मिला, एनिमल्स के लिए कैसे करते हैं ब्रैकेटेड की को, देखो पहले ही आपके पास लिखा होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रही, आपको याद होना चाहिए, ये आपके पास आपकी बुक्स में लिखा होता है, अगर आप टैक्सोनॉमिस्ट होते तो आपके पास ये कीज लिखी होती। जैसे अभी मैंने आपको बताया बैट है तो प्रेजेंस ऑफ मैमी होना चाहिए, ईयर्स होना चाहिए, विंग्स होना चाहिए। कैट है तो प्रेजेंस ऑफ मैमी, मैमी मीन्स मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स, पिन्ना, हेयर्स एंड टेल। बर्ड्स हैं देन एब्सेंस ऑफ मैमी, हेयर्स, टेल। बर्ड्स में मेमरी ग्लैंड नहीं होती, बाल भी नहीं होते हैं, दांत भी नहीं होते हैं, लेकिन बीक होता है, फेदर्स होते हैं एंड विंग्स होते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग में आपको पता है मैमी नहीं होते। पिन्ना, पिन्ना पता है क्या होता है, ये जो ईयर का हमारा बाहर वाला ईयर होता है ना, कान बाहर वाला, इसको कहते हैं पिन्ना। गिल्स, फिन, स्केल, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लिम्स है किस केस में, फ्रॉग में। फिश में हम पीछे पढ़ा था, अगर स्नेक है, स्नेक के लिए होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ मैमी हो, लिम्स हो, पिन्ना हो, आईलिड, ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। अलोंगेटेड बॉडी, जैसे स्नेक की बॉडी कितनी अलोंगेटेड, लंबी सी होती है, विद स्केल्स, उसकी बॉडी पर स्केल्स होने चाहिए। तो ये की तो तुम्हारे पास लिखी थी,
अब तुम्हें ना कोई एनिमल मिला, ठीक है, अब उस एनिमल को तुम्हें पहचानना है, की का कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में कैसे, पहला आपने पॉइंट बनाया, डज द एनिमल हैव एक्सटर्नल ईयर्स। एक्सटर्नल ईयर क्या बताया था, पिन्ना। आपने कहा यस, तो उसके आगे लिखा है गो टू थ्री, गो टू टू। अगर आपने कहा नो, तो उसके आगे लिखा है गो टू थ्री। पहले आते हैं, आपने कहा यस, पिन्ना होते हैं, बाहर के कान होते हैं। अब गो टू टू, डज द एनिमल फ्लाई, क्या एनिमल उड़ता है। आपने कहा यस, यही खुल गया भेद कि ये बैट है, जिसके पास पिन्ना हो और जो उड़ सकता है, यानी बैट कंफर्म। अब आपने अगर पहली बार में नो कहा होता, आपने कहा होता एक्सटर्नल ईयर नहीं है, नो कहा होता, तो आप जाओगे गो टू थ्री, डज द एनिमल फ्लाई। आपने कहा यस, पिन्ना तो नहीं था बट फ्लाई तो करता है, तो इसका मतलब यस वाले में बर्ड है। अगर आपने इसमें नो कहा होता तो आगे आ जाता गो टू फोर, ठीक है। इस तरीके से आप ज़रा ध्यान दो कि आप बिल्कुल इजीली पकड़ पाओगे कि ये तुरंत पकड़ में आ जाएगा। देखो बैट वहीं क्लियर हो गया था, स्नेक वाले केस में आप यस नो करते गए, अगले पे जाओ अगले पे जाओ, एंड फाइनली सी जैसे ये लिया, डज द एनिमल हैव लिम्स, आपने कहा यस, कंफर्म हो गया ये फ्रॉग है। कैसे, देखो डज द एनिमल हैव लिम्स, आपने कहा यस, ऊपर आपने किस में नो कहा था, ये फ्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, एंड वी विल डिस्कस इट, इफ़ यू फाइंड एनी डाउट वी विल डिस्कस इन गूगल मीट।